योगी जी बार बार दावा करते हैं इतना रोजगार दे दिया, उतना रोजगार दे दिया, 4 लाख रोजगार दे दिया, 5 लाख रोजगार दे दिया। नौजवान बेचारे परेशान हैं, वो कहते हैं इतना रोजगार दे दिया तो हम धक्के क्यों खा रहे हैं, इतना रोजगार दे दिया तो करोड़ों नौजवान उत्तर प्रदेश के क्यों भटक रहे हैं। चलिए जो आपने रोजगार नहीं दिया दिया उसका हिसाब छोड़ देते हैं। बात वो करते हैं जो भर्ती आपने निकाली, बात वो करते हैं जो जिसकी परीक्षाएं आपने ली, बात वो करते हैं जिसपे आपने फॉर्म भरवाए और फॉर्म भरवाने के साथ नौजवान छात्रों के साथ चीटिंग की, फ्रॉड किया, आज तक उनको नौकरी नहीं दी। बात करते हैं ये पहली भर्ती उत्तर प्रदेश में दरोगा के लिए 3,307 पदों के लिए चयनित किए गए 2,486 बच्चे और आवेदन जानते हैं कितने बच्चों का आया था, 6,50,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, 6,50,000 3,300 पदों के लिए और उसमें से मात्र 2,486 बच्चों का चयन होता है और उसके बाद उनसे ड्यूटी भी ली जाती है, ट्रेनिंग भी ली जाती है, CA NRC में भी ड्यूटी ली गई उनसे और तमाम प्रदर्शनों में उनकी जिम्मेदारी लगाई गई, लेकिन जून 2019 से उन सारे 2,486 बच्चों को घर में बैठा दिया गया है। उन नौजवानों को कहा जा रहा है घर में रहो, बेरोजगारी की मार झेलो, जिंदा रहो या मर जाओ, हम तुमको नियुक्ति पत्र देने वाले नहीं है। जिनकी ट्रेनिंग हो गई, जिनके ड्यूटी लगा दिया आपने, जिनका चयन हो गया, ऐसे नौजवानों को आप नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे। आगे बढ़ते हैं, सहायक उप निरीक्षक, इसकी भर्ती हुई 2016 में, पद थे 760 और चयनित किए गए 207 नौजवान, 207 और इसमें जो आवेदन किया था 60,000 लोगों ने आवेदन किया था, 207 पदों के लिए 760 पदों के लिए 60,000 लोगों ने आवेदन किया और 207 लोगों का चयन हुआ, 2,000 लोग लिखित परीक्षा में पास हुए थे, सबका चयन नहीं किया गया, 207 लोगों का चयन किया गया और 11 जुलाई 2019 से ये लोग आज तक बैठे हुए हैं। इनका सब कुछ, सारे क्वालिफिकेशन पूरा करने के बावजूद, सारे मानकों पे खरा उतरने के बावजूद इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, ये लोग दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। इसके बाद शिक्षक भर्ती हुई 2016 में, पद है 12,460 जिले में और 7,000 बच्चे इसमें से चयनित होते हैं, 2016 से लेके 12,000 पदों के लिए भर्ती निकाली गई, 7,000 नौजवानों का चयन हुआ और 2016 से लेके आज तक उनकी नियुक्ति नहीं की गई, उनको नौकरी नहीं मिल पाई। फिर 2016-18 में 2 बार वैकेंसी निकाली गई, 1400 पद थे टोटल जूनियर इंजीनियर के और इसका भी आज तक कोई अता पता नहीं। इसी तरीके से PET के नौजवानों का मामला है, दरोगा भर्ती में 9,534 पद 2021 में मुख्यमंत्री जी के अधीन, ये भी एक भर्ती का मामला है 9,534 पदों के लिए। और ये सारे मामले मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसी भर्तियां हैं जिसमें सारे लोगों का चयन हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाती है, नियुक्ति नहीं की जाती, नियुक्ति पत्र नहीं मिलता। इससे बड़ा घपला, इससे बड़ा धोखा नौजवानों के साथ क्या हो सकता है। तो इन्हीं सारे विषयों को लेके आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी पदयात्रा, हमारे CYSS के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वंशराज दुबे जी जो हमारे CYSS के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये 1 तारीख से इलाहाबाद से पदयात्रा बेरोजगारी के खिलाफ निकालेंगे और ये यात्रा लखनऊ तक आएगी।